नमस्कार, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से। आप सब जानते हैं आपका अपना श्रवण, आपकी अपनी सीएलसी हमेशा कुछ नया रास्ता बनाती है और मंजिल पे जाती है। नए रास्ते बनाना, नई सोच डेवलप करना, नए आइडिया जनरेट करना, इसी की देन तो है कि आज के 27 साल पहले इस सीकर की धरती पे एक बीज बोया गया जो आज एक वटवृक्ष का रूप ले चुका है। बस ऐसी नई सोच के लिए कि वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ दोस्तों आपके लिए। आप सब जानते हैं, सभी संस्थाएं जिन बच्चों को MBBS मिलता है, NIT मिलता है, IIT मिलता है, उन सब का मान सम्मान करते हैं और एक विजयोत्सव के नाम पे बड़ा फंक्शन करते हैं। आपकी अपनी CLC भी करती है, पर पिछले कई सालों से मेरे कई बच्चों की शिकायत रहती है जिनको मिल जाता आयुर्वेद, वेटनरी, BDS, ICR, फार्मेसी, नर्सिंग, स्टेट इंजीनियरिंग। वो बच्चे मिलते हो, कहते बॉस हम भी तो फर्स्ट ग्रेड की नौकरी लगेंगे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्टेट इंजीनियरिंग करने के बाद IAS को क्रैक कर लेते हैं, UPSC क्रैक कर लेते हैं। तो उनकी शिकायत थी अपनों के नाम, अपने बॉस के नाम, बॉस हमारा विजयोत्सव क्यों नहीं करते हो। निश्चित रूप से मेरे लिए सबसे ज़्यादा कोई चीज़ महत्व रखती है तो मेरे बच्चों के, मेरे अभिभावकों के विचार हैं, उनके सुझाव हैं। उन सब की शिकायत को दूर करने के लिए आपके अपने CLC 12 जून 2022 शाम 6 बजे विजय ग्राउंड में विजयोत्सव 2 के नाम पे एक विजयोत्सव करने जा रही है। तो मैं सेशन 2019, 2020, 2021 इन पिछले 3 सेशन में जो भी CLC MBBS, IIT, NIT के अलावा किसी भी टेक्निकल कॉलेज में जिसने एडमिशन लिया है, इसको फिर से रिपीट कर दूं, BDS है, वेटनरी है, ICR है, होम्योपैथी, आयुर्वेद है, स्टेट इंजीनियरिंग है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, इनमें किसी भी तकनीकी स्टडी में आपका एडमिशन हुआ है तो आपको 12 जून 2022 को शाम 6 बजे परिवार सहित CLC सीकर पहुंचना है। इसके अलावा 19-20-21 में जिन बच्चों को MBBS मिला, IIT में एडमिशन हुआ, NIT में एडमिशन हुआ और आप किसी भी कारणवश विजयोत्सव में नहीं आ पाए, तो हम पिछले 3 साल के उन सारे बच्चों को सादर आमंत्रित कर रहे हैं। 3 साल इसलिए लिया है कि 20-21 बीच में कोरोना के कारण लॉकडाउन सा रहा, विजयोत्सव खुल के हम भी नहीं कर पाए थे, कई बच्चे आ भी नहीं पाए थे, डर था, भय था। लास्ट बात का सार इतना ही है कि 2019-20-21 में CLC से सिलेक्टेड जो मैंने बताया है उन कोर्सेज प्लस मेडिकल IIT NIT में जो बच्चे विजयोत्सव में नहीं आ पाए परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। एक प्रश्न खड़ा होगा, वो सब तो कॉलेज में है, क्या पापा को भेज दें? बिल्कुल, आप कॉलेज में हैं, आप कॉलेज से नहीं आ सकते। मतलब आप साउथ में है बेटा, आप IIT बॉम्बे बैठे हैं, आप NIT वारंगल बैठे हैं, सपोज करो, तो आना मुश्किल है, तो पेरेंट्स जरूर भेजें। दूर के पेरेंट्स हैं, रात को रुकने की व्यवस्था कर दी जाएगी, वो आप जानते हो। मेरी ड्यूटी है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरे अपनों के साथ एक शाम बिताने का मौका मिलेगा। तो फिर से अपील करना चाहता हूँ कि सभी मेरे बच्चे जिनके बारे में बताया मैं इस वीडियो में, वो सभी 12 जून 2022 शाम 6 बजे विजय ग्राउंड में सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार, जय सीएलसी।